हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं लेकर आया हूँ 10 ऐसी गाड़ियाँ जो अपने टाइम पर तो शानदार और बेस्ट चॉइसेस हुआ करती थी, लेकिन 2020 में ये गाड़ियाँ अब परफेक्ट नहीं रह गई हैं। परफेक्ट ही नहीं, आज के टाइम पर इनसे कहीं अच्छे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं जो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी हैं। हम लिस्ट की शुरुआत करते हैं, इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो यहाँ पर आती है वोक्सवैगन की पोलो। पोलो जब इंडियन मार्केट में आई थी तब के हिसाब से एक शानदार ऑफरिंग थी। कई चीज़ों में ये आज भी अपने सेगमेंट की दूसरी कारों को हरा सकती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि पोलो एक आउटडेटेड प्रोडक्ट बन गया है और 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सीरियसली अंडर पावर्ड है। वहीं 1 लीटर TSI इंजन है तो अच्छा, लेकिन काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। इसी बजट में आपको वोक्सवैगन की ही ग्रुप के स्कॉडा रैपिड भी TSI इंजन के साथ मिलती है, जो एक फुल साइज सेडान है, जो आपके लिए एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है पोलो की जगह। अब हम 9th कार की बात करते हैं, तो यहाँ पर आती है रेनॉल्ट की डस्टर। रेनॉल्ट डस्टर ही वो प्रोडक्ट है जिसने कॉम्पैक्ट SUV कल्चर को इंडिया में शुरू किया था, लेकिन आज ये खुद इतनी आउटडेटेड हो गई है कि लोगों ने इसे खरीदना तक छोड़ दिया है। डस्टर भी 2013 से इंडियन मार्केट में छोटे छोटे फेसलिफ्ट के साथ है, लेकिन अब इंटीरियर स्पेशली इसका बोरिंग और आउटडेटेड लगने लगा है, खास तौर पे जब हम इसे कंपेयर करते हैं क्रेटा, सेल्टॉस या फिर किक्स तक से भी। डस्टर का न्यू जनरेशन फॉरेन मार्केट्स में आ गया है और अगर रेनॉल्ट को सक्सेस चाहिए तो डस्टर से उन्हें इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन को लाना ही होगा। लिस्ट की 8th व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर आती है फोर्ड की इको स्पोर्ट। इको स्पोर्ट एक शानदार प्रोडक्ट है और आज भी अपने कॉम्पिटिटर्स को जबरदस्त टक्कर देता है, लेकिन फिर ये भी वही कहानी है। इको स्पोर्ट भी डस्टर की तरह अपने सेगमेंट को स्टार्ट किया था, मतलब सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को उसने स्टार्ट किया था। इको स्पोर्ट में फीचर्स की तो कोई कमी नहीं है, जो प्रॉब्लम डस्टर या पोलो में था। बस यही चीज़ है कि अब ये प्रोडक्ट पुराना हो गया है और न्यू जनरेशन भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, इसलिए अभी आप एक ओल्ड जनरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 7th प्रोडक्ट की बात करें तो ये है महिंद्रा की XUV500। XUV500 अपने टाइम की सबसे फीचर लोडेड प्रोडक्ट थी और आज भी है, लेकिन आज का उसका एम्बियंस और फील उसके प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता है। XUV500 भी 2012 के अराउंड लॉन्च हुई थी और तब से इसको कोई प्रॉपर कंपटीशन नहीं था, लेकिन अगर हम आज देखें तो हैरियर एक शानदार ऑप्शन आ गया है, MG हेक्टर प्लस आ गया है, तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए XUV500 को, जो इसके सेल्स को इफेक्ट किया है और आज तो इसका मार्केट शेयर काफ़ी कम हो गया है। XUV500 का नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाला है जो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, जिसमें कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स होंगे, इसलिए आज XUV500 लेना सही डिसीजन नहीं होगा। बेहतर है आप कुछ टाइम वेट कर लें नई XUV500 का, या टाटा की हैरियर या MG की हेक्टर के ऊपर आप जा सकते हैं। अब 6th कार की बात करते हैं तो यहाँ पे वापस एक वोक्सवैगन है, वोक्सवैगन विंटो। विंटो भी एक काफ़ी पुराना प्रोडक्ट हो चुका है जिस तरह से पोलो है। वोक्सवैगन में एक 1 लीटर TSI इंजन तो आता है, ये काफ़ी शानदार इंजन है, लेकिन फिर भी विंटो के प्राइसेस कहीं ज़्यादा है। अगर आपको लोअर वेरियंट चाहिए तो रैपिड उससे एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, वहीं अगर आप उसके हायर वेरियंट्स में जाएंगे तो उस प्राइस में वर्ना और सिटी जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो इस टाइम पे वोक्सवैगन विंटो से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बनते हैं। और अगर आप उन प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो विंटो कहीं ज़्यादा आउटडेटेड लगता है। अब हम टॉप 5 की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब 5th प्रोडक्ट की बात करें तो ये महिंद्रा की KUV100 NXT है। KUV100 कभी भी एक हॉट सेलर तो नहीं रहा है, कुछ हद तक इसके पोलराइजिंग लुक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। महिंद्रा को एक 6-सीटर की तरह सेल कर रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये एक 5-सीटर ही है।
QB100 में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इसे एक डिफॉल्ट चॉइस नहीं बना रहा। इसके प्राइस पर स्विफ्ट, आईटेन, फीगो या फिर आपको प्रीमियम हैचबैक्स भी मिलते हैं जो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन लग रहे हैं। अब फोर्थ कार की बात करें तो यह किया कि कार्निवल। कार्निवल को इंडिया में अभी लॉन्च किया गया। ये है तो एक अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन इंडिया लॉन्च के कुछ ही दिनों में इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड वाइड रिवील कर दिया गया है और शायद 1 से 2 साल में इसको इंडिया में लाया भी जाए। इसलिए आज के टाइम पे कार्निवल लेना एक उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है जब उसका नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में अवेलेबल है। अब थर्ड नंबर के प्रोडक्ट की बात करें तो ये है महिंद्रा की बोलेरो। ये प्रोडक्ट का तो क्या ही कहना, ये प्रोडक्ट इसी शेप में ऑलमोस्ट 20 ईयर से आ रहा है और इससे पहले मार्सेलो और अर्मादा भी ऑलमोस्ट सेम शेप में आती थी। बोलेरो एक लेजेंडरी प्रोडक्ट हो गया है जो इतने लंबे समय से मार्केट में कब्जा बनाए रखा है केवल फेसलिफ्ट के दम पे। बोलेरो खराब रोड्स के लिए आज भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। महिंद्रा ही एक ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट लेकिन इसी प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहा है जो बोलेरो से हर पैरामीटर में बेहतर है। मैं बात करूँ TUV 300 की, TUV 300 में बोलेरो से ज़्यादा फीचर्स, सेफ्टी और कंफर्ट और एटलीस्ट एक नया लुक तो मिलता है जो अब बोलेरो को आउटडेटेड बना देता है। अब हम नंबर 2 पर बात करें तो ये है इंडिया की सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली कार। मैं बात कर रहा हूँ मारुति ऑल्टो 800 की। ऑल्टो हमेशा से इंडियंस की फर्स्ट कार बनती आई है जो काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन ऑल्टो 800 के अगेंस्ट कई चीज़ें अब जाने लगी हैं। पहला तो ये प्रोडक्ट 2012 में लॉन्च हुआ था और तब से आज तक इसको कोई भी मेजर अपडेट नहीं मिला है। वहीं जो दूसरी और बड़ी चीज़ है वो है ऑल्टो 800 के अगेंस्ट में कि एक अंडर पावर्ड व्हीकल बन गई है, क्योंकि 2020 में भी ऑल्टो में 40 PS ही पावर मिलती है जो मारुति 800 37 PS देती थी 1986 में। ये स्टैट ही काफ़ी है बताने के लिए कि इस टाइम पर ऑल्टो को क्यों कंसिडर नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर आप मारुति की एस्प्रेसो या क्विड का 1 लीटर इंजन को कंसिडर कर सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर के प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी एक महिंद्रा ही है। ये है धाकड़ गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी 16-17 ईयर से इंडियन मार्केट में केवल फेसलिफ्ट्स के दम पे, क्योंकि इसे एक प्रॉपर जनरेशन अपडेट मिलना बचा हुआ है जो नेक्स्ट ईयर के एंड में आने की उम्मीद है। स्कॉर्पियो के लुक से उसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो महिंद्रा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा वापस से ऐसा जोरदार लुक डिज़ाइन करा। स्कॉर्पियो को आज नहीं खरीदने के पीछे एक मेजर रीज़न सेफ्टी कंसर्न्स भी है। फीचर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है स्पेशली एक 16 लाख के प्रोडक्ट के लिए। स्कॉर्पियो का इंटीरियर भी अब आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए आज के टाइम में स्कॉर्पियो को अवॉइड करना ही बेहतर है। ये तो थे 10 ऐसे इंडियन कार प्रोडक्ट्स जो आपको कंसिडर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये अपने लाइफ साइकिल के आखिरी समय में आ गए हैं और आपके पैसों की प्रॉपर वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।